आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक शॉर्ट फिल्म को जिसका नाम है ट्रंक। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, उसे एक दिन किसी के घर के बाहर दो ट्रंक्स नज़र आती है जो दिखने में बहुत पुरानी सी लग रही थी। शायद उस घर के लोगों ने उस ट्रंक को फेंकने के लिए बाहर रखा होगा। वो लड़की वो ट्रंक को देखने लगती है और उसे उनमें से एक ट्रंक बहुत पसंद आ जाता है। पहले वो छोटे वाले ट्रंक को देखती है, पर उस ट्रंक में स्पेस कम होने के कारण वो बड़ा वाला घर ले जाने का डिसाइड करती है और वो बड़ा वाला ट्रंक को उठाकर घर ले आती है। जब वो ट्रंक को चेक करती है तब उसे वो ट्रंक के लिड पर कुछ स्क्रैचेस नज़र आती है और उसके अंदर किसी के नाखून फंसा हुआ भी दिखाई देता है और गौर से देखने पर उसे किसी के दांत और बालों का गुच्छा भी नज़र आता है। ये सब देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है, फिर भी वो डिसाइड करती है कि वो पहले इस ट्रंक को साफ़ करेगी और फिर उसे यूज़ करेगी। तो वो साफ़ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर लेने जाती है, पर जब वो वापस आती है तो ट्रंक उसे खुला हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो कंफ्यूज्ड हो जाती है, उसे पता नहीं चल रहा था कि उसने ट्रंक को बंद किया था या उसने खुला ही छोड़ा था। इस बात को वो इग्नोर कर देती है और फिर वो ट्रंक को क्लीन करती है और अपना सामान भर देती है और फिर वहाँ से वो निकल जाती है। और जैसे ही रात होती है उस लड़की को घर में किसी की फुटस्टेप सुनाई देती है और ये सब साउंड से वो लड़की की नींद खुल जाती है और वो विंडो से बाहर की तरफ देखने लगती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसको अपने रूम में किसी के प्रेजेंस फील होती है। फिर वो ट्रंक की ओर देखती है तो ट्रंक खुला हुआ उसे दिखाई देता है, क्योंकि उसे याद था कि वो ट्रंक उसने बंद किया था। ये सब सोचकर वो घबरा जाती है। ये सब के बाद वो दरवाजे के पास एक लंबी सी शैडो को देखती है। वो बिल्कुल इंसानों की तरह नहीं लग रहा था। वो घबरा कर लाइट्स ऑन करने की कोशिश करती है, पर लाइट्स ऑन नहीं हो पाता। फिर वो अपने फ़ोन का फ्लैशलाइट ऑन करती है तो वो परछाई कहीं गायब हो चुकी थी। उसको लगता है कि बस उसका ये सब कुछ वहम ही होगा। फिर उसे वॉशरूम के दरवाजे के बाहर वो एक हुंकार आकृति को देखती है जो उसी की तरफ बढ़ रहा था। वो लड़की चिल्लाने लगती है और उसकी नींद टूट जाती है। हमें पता चलता है कि वो बस एक सपना देख रही थी। फिर वो बिस्तर से उठकर बैठ जाती है और उसकी नज़र ट्रंक पर पड़ती है तो वो ट्रंक खुला हुआ देखती है। तब उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है और जब वो ट्रंक को देख ही रही थी तब पीछे से एक भयानक आकृति उस पर हमला कर देता है। वो मिरर से बाहर निकलकर हमला करने आया था और वो उस लड़की के शरीर को कंट्रोल कर उसका हाथ पैर तोड़ देता है और फिर उसका सर को भी तोड़ देता है। फिर वो उस लड़की को उस ट्रंक में बंद कर देता है। फिर अगले दिन हम उस ट्रंक को उसी घर के यार्ड में पाते हैं अपना अगले शिकार ढूंढते हुए। ये फिल्म इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।